लगभग 700 साल पहले जापान के हाइका और गिंजी वंश के बीच दनोरा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में लाखों हाइका योद्धा, औरतें, बच्चे और एम्परर ओन्टाकू तेनो मारे गए थे। इस युद्ध के बाद से ही ऐसा माने जाने लगा था कि हाइका योद्धा की रेस्टलेस सोल यानी कि उनकी बेचैन आत्मा दनोरा में भटकती है। कोस्ट के पास मछुआरों को कई बार रात के समय हजारों स्ट्रेंज पेल लाइट्स या फिर फायर फ्लोट करते हुए दिखाई देने लगी थी, जिन्हें लोग ओनी भी अर्थात डीमन फायर के नाम से बुलाना शुरू कर दिए। इसके अलावा तूफानी रातों में समुद्र से ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती थी मानो आसपास कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो। शुरुआत के सालों में हाइकी स्पिरिट से जुड़े किस्से काफी तेजी से बढ़ने लग गए थे। लाइक कभी किसी शिप के डूब जाने के पीछे इन स्पिरिट्स को ब्लेम किया जाता था तो कभी तैराकों के अचानक गायब हो जाने के पीछे। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे कम हो गया जब लोकल बुद्धिस्ट ने आकामगा सेकी में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया और बीच के पास ही मृत हाइकी सोल्जर्स के लिए एक सेमेट्री बनवाया। इसके बाद भले ही कई वियर्ड इंसिडेंट्स अपीयर होना बंद हो गए थे, लेकिन समय के साथ साथ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहता था जिससे ये समझ आ गया था कि अभी तक हाइकी सोल्जर्स को शांति नहीं मिली थी। अब ये तो मैंने आपको हाइकी सोल्जर्स की छोटी सी कहानी बताई है, लेकिन आगे की वीडियो में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो कि आगे चलकर होइची एंड ओनीबी का फेमस जापानीज लेजेंड बन गया। कई सौ साल पहले आकामगा सेकी में एक ब्लाइंड मैन होइची रहा करता था। बचपन में ही होइची को स्टोरी रिसाइटेशन यानी कि कहानी सुनाने के पारंपरिक विधि में महारत हासिल हो गई थी। इसमें सिंगर बीवा प्ले करता है जो कि एक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और साथ में वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को गाने के रूप में ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करता है। ऑल्दो होइची ने इस कला में अपने गुरु तक को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन होइची के फेमस होने का कारण कुछ और ही था। दरअसल होइची अपने एक पर्टिकुलर रिसाइटल की वजह से काफी फेमस होने लग गया था और वो थी हाइकी एंड गिंजी के बीच हुई दनोरा की बैटल। कहा जाता है कि होइची की इस रिसाइटल को सुनने के बाद किजिन्स यानी कि गॉब्लिन्स तक अपने आंसू रोक नहीं पाते थे। बुद्धिस्ट टेंपल के प्रीस्ट को होइची का रिसाइटल इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने होइची को टेंपल में रहने का ऑफर किया और होइची जो कि काफी गरीब था उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। होइची को टेम्पल के पीछे ही एक रूम दे दिया गया, साथ ही उनके खाने पीने का अच्छा ध्यान रखा गया। बदले में होइची प्रीस्ट्स के लिए हर शाम को गाते हुए अपनी स्टोरी रिसाइटेशन करते थे। तो एक शाम प्रीस्ट को किसी मृत इंसान के क्रियाक्रम में बुलाया गया था और प्रीस्ट अपने एकोलाइट के साथ वहां चले गए। ऐसे में होइची अकेले ही मंदिर में था और रात होने पर होइची अपने अकेलापन दूर करने के लिए टेम्पल के गार्डन में जाकर बीवा बजाने लग गया। काफी समय बीत गया और आधी रात तक प्रीस्ट का इंतजार करते करते होइची थक चुका था। अब इससे पहले वो टेंपल के अंदर वापस जाता, उन्हें टेंपल के पीछे वाले दरवाजे से कुछ कदमों की आवाज आती है। वो कदम होइची के पास आया और किसी ने होइची को एक भारी आवाज में पुकारा, लेकिन ये आवाज प्रीस्ट की नहीं थी। होइची के पूछने पर वो इंसान बताता है कि वो एक सोल्जर है जिसे उसके किंग ने भेजा है। दरअसल उस सोल्जर के किंग कुछ दिन के लिए इस जगह आए थे और उन्हें होइची का रिसाइटल काफी पसंद आया था, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर दिया था कि होइची इसी वक्त आकर उनके लिए रिसाइटल परफॉर्म करे, स्पेसिफिकली बैटल ऑफ दनोरा वाला। अब उन दिनों किसी राजा के आदेश को ना मानना मौत को बुलावा देने जैसा था, इसलिए होइची उस सोल्जर के साथ चलने के लिए राजी हो गए। होइची सोल्जर के कंधे पर हाथ रख के आगे बढ़ने लगे और ऐसे में उन्होंने सोल्जर के आयरन आर्मर को फील किया जो कि काफी भारी और बढ़िया तरीके से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, यानी कि सोल्जर किसी बहुत बड़े किंग को सर्व करता होगा। थोड़ी देर बाद होइची को किसी बड़े से दरवाजे के खुलने की आवाज आई और इससे होइची ने अंदाजा लगाया कि ये जरूर राजा का बड़ा सा किला होगा। अंदर होइची को कुछ औरतों की आपस में बात करने की आवाज आ रही थी और उनके बात करने के तरीके से होइची ने अंदाजा लगाया कि वो लोग एंशियंट स्क्रिप्चर्स का यूज कर रही थी, जिसका मतलब कि वो लोग हाईली एजुकेटेड नोबल्स थी। सोल्जर होइची को उनके प्लेटफॉर्म तक ले गया जो कि एम्परर के सामने ही था। होइची ने अपना बीवा प्ले करते हुए अपना रिसाइटल शुरू किया और ये रिसाइटल इतना इमोशनल था कि वहां पर बैठा हर एक इंसान दर्द से कराह उठा। चारों तरफ मानो जैसे हाहाकार मच गया था और होइची ये सब सुनकर अंदर ही अंदर डर रहा था। रिसाइटल खत्म होने के बाद एम्परर ने होइची की काफी तारीफ करी और उन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने इतना भावुक कर देने वाला रिसाइटल कभी नहीं सुना था।
उन्होंने होइची को कहा कि वो जितने भी दिन यहाँ रुके हैं वो होइची को यहाँ बुलाएंगे और उसे ये रिसाइटल परफॉर्म करना होगा। साथ ही उसे ये बात किसी को नहीं बतानी होगी कि उसे यहाँ रिसाइटल के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद सोल्जर होइची को टेंपल वापस छोड़ा है। खैर अगली सुबह प्रीस्ट वापस आए लेकिन होइची उन्हें पिछली रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब अगली रात भी ठीक उसी समय सोल्जर होइची के पास उन्हें ले जाने आए और होइची रिसाइटल परफॉर्म करके वापस आए। लेकिन इस बार सुबह टेंपल में होइची के एब्सेंस को नोटिस कर लिया गया था और प्रीस्ट ने होइची को अपने पास बुलाकर उनसे हम्बली पूछा कि वो इतनी रात में बिना किसी को बताए कहाँ गए थे और क्यों गए थे। होइची रिप्लाइड कि उनका कोई प्राइवेट मैटर आ गया था जो कि उन्हें अर्जेंटली सॉल्व करना था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। प्रीस्ट होइची का जवाब सुनकर काफ़ी उदास हुए क्योंकि वो होइची को अच्छी तरह से जानते थे और वो समझ गए थे कि होइची उनसे झूठ बोल रहा था, मगर क्यों। वेल, प्रीस्ट ने होइची से और कुछ नहीं पूछा बल्कि इस मामले के बारे में खोजबीन करने का सोचा। प्रीस्ट ने कुछ लोगों को होइची पर नज़र रखने का काम दिया और उन्हें होइची को रात में फॉलो करने का आदेश दिया। उस रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और प्रीस्ट के लोगों ने होइची को टेंपल से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन बाहर पहुंचने पे उन्हें होइची कहीं नहीं दिख रहा था। अब एक ब्लाइंड मैन के लिए इतनी जल्दी चलकर कहीं चले जाना काफ़ी ताज्जुब वाली बात थी। ऐसे में वो लोग सड़कों पर होइची को खोजने लग गए लेकिन होइची का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। अंत में वो लोग टेंपल की तरफ बीच के पास से होते हुए लौट रहे थे कि तभी उन्हें होइची के बीवा की आवाज़ आई। वो लोग उस डायरेक्शन में गए और उन्होंने नोटिस किया कि ये आवाज़ सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। यहाँ जो उन लोगों ने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। होइची अकेले ही अंतोकु तेनो की टूम्ब के आगे बैठकर अपना रिसाइटल परफॉर्म कर रहा था और उसके चारों तरफ कई सारे डीमन फायर यानी कि ओनी भी जल रही थी। अब प्रीस्ट के लोगों ने होइची को आवाज़ लगाई और उन्हें यहाँ से जल्दी वापस टेम्पल लेकर आए। प्रीस्ट ये सब जानकर समझ गए कि क्या बात है। उन्होंने होइची को बताया कि होइची बिविच्ड हो गए हैं और वो जो सोल्जर उन्हें लेने आया था वो दरअसल एक हाइका सोल्जर था, यानी कि होइची हाइका एम्परर को अपना रिसाइटल सुना रहे थे। प्रीस्ट होइची को बताते हैं कि ठीक 6 रातों के बाद हाइका होइची को जान से मार देते ताकि वो भी एक भटकती आत्मा बनकर हाइकी के साथ ही रह जाए। होइची काफी डर गए थे और वो प्रीस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी मदद करें। प्रीस्ट होइची को बताते हैं कि उन्हें एक रिचुअल करना पड़ेगा जिससे होइची बिविचिंग से फ्री हो सकता है। रिचुअल के मुताबिक होइची के पूरे शरीर को होली सूत्रा हान्या शिनकोयो के टेक्स्ट से कवर किया गया और उन्हें डायरेक्शन दी गई कि उन्हें अपने रूम के बाहर रात में मेडिटेट करना होगा और वहां बिल्कुल चुप होकर बैठे रहना होगा। हाइकी सोल्जर उन्हें लेने आएगा लेकिन उन्हें मेडिटेटिव स्टेट में ही रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए हाइकी सोल्जर को रिप्लाई नहीं करना है। जब वो सोल्जर वापस चले जाए तभी होइची मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आ सकते हैं और इसके बाद वो बिविचिंग खत्म हो जाएगी और होइची भी फ्री हो जाएंगे। वेल, रात को होइची अपने रूम के बाहर मेडिटेटिव स्टेट में बैठ गए और थोड़ी देर बाद हाइकी सोल्जर होइची को लेने आए। सोल्जर होइची के आगे आकर उन्हें आवाज़ देने लगा पर होइची कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। सोल्जर धीरे धीरे गुस्सा होने लगा जिससे होइची की हार्ट बीट तेज होने लगी और डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठे रहे। सोल्जर ने जाने से पहले होइची को एक बार फाइनल वार्निंग दी ताकि वो उनके साथ चले, लेकिन होइची ने कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली सोल्जर जाने से पहले होइची से कहता है कि वो अपने एम्परर के पास उसके कान लेकर जाएगा जो कि एक सिंबल होगा कि उसने होइची को उनका ऑर्डर सुनाया था। होइची ये सुनकर शॉक्ड रह गया और इतने में ही सोल्जर ने उनके कान काट लिए। होइची पेन से चिल्ला देना चाहते थे लेकिन वो चुप रहे और अपना पेन झेल गए। सोल्जर यहाँ से चला गया और थोड़ी देर में होइची को प्रीस्ट की आवाज़ आई जिसे सुनते ही वो रो पड़े। प्रीस्ट ने होइची को बताया कि उनके ऊपर से वो बिविचिंग हट चुकी थी, लेकिन तभी वो होइची के मिसिंग कान को नोटिस करते हैं और होइची को संभालते हैं। बाद में होइची के जख्म भर जाते हैं और प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि उनकी गलती की वजह से ही होइची के कान चले गए थे। दरअसल जब रिचुअल के दौरान होइची की पूरी बॉडी पर होली टेक्स्ट लिखे गए थे तब प्रीस्ट ने उनके कानों पर टेक्स्ट लिखना इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से हाइका सोल्जर या फिर हाइकी सोल्जर उनके कान काट कर ले गया। अब ये सब हो जाने के बाद भी होइची लोगों के लिए अपना आर्ट परफॉर्म करते रहे और आगे चलकर होइची काफी वेल्दी आर्टिस्ट बने। उनके साथ जुड़े इस किस्से की वजह से उन्हें मिमी निशी होइची यानी कि होइची द ईयरलेस के नाम से भी जाना जाने लगा।
अब आई नो इस कहानी को सुनकर आप सोच रहे हो कि ये माइथोलॉजी है, रियल स्टोरी हो नहीं सकती। तो वेल हाँ, ये माइथोलॉजी ही है और मे बी रियल होगी भी तो इसकी कुछ छोटी मोटी पार्ट रियल हो सकती है, पूरी स्टोरी तो रियल नहीं होगी। इसी के साथ मैं आज की कहानी को यहीं पे एंड करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पॉडकास्ट फॉर्मेट में पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज और पॉडकास्ट लाते रहते हैं। Peace.